हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ट्विन और मेरी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रोफेशनल लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके मोबाइल में पिक्स आर्ट ऐप की ज़रूरत है, तो इसको ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए, आपको नीचे आना है और बैकग्राउंड का जो कलर है वो आप किसी भी कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट करता हूँ। और करने के बाद दोस्तों ये जो है आपको चैनल का जो नेम है उसको आप लिखना है। तो मैं मेरा जो चैनल का फर्स्ट नेम है टी, और मैं लिख देता हूँ। और ये करने के बाद यहाँ पर टिक मार्क पे आपको क्लिक करना है एंड इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। इसका कलर जो है आपको चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसका जो कलर है उसको चेंज कर देता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर आया और टिक कर दिया, तो ये हो गया। आप फ्रॉन्ट्स चेंज करना है, तो फ्रॉन्ट्स में जाने के बाद देखिए, मुझे ये वाला फ्रॉन्ट्स जो है अच्छा लग रहा है, तो मैं ये वाला फ्रॉन्ट्स ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और इसको करने के बाद आपको प्लस वाला आइकन जो इधर दिख रहा है, तो इसको क्लिक करना है। और यहाँ पर मेरा जो चैनल का सेकेंड नेम है डी, तो मैं यहाँ पर डी लिख लेता हूँ और इसको जो है टिक कर देता हूँ। अब इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और इसका भी कलर जो है आपको चेंज करना है। मैं यहाँ पर ब्लैक रहने देता हूँ और यहाँ पर जो है इसको बिठाता हूँ। उसे थोड़ा सा छोटा करना होगा। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सा टाइम लेकर इसको कर लीजिएगा तो आपका अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ पर सेंटर पे बिठाते हैं और इसको जो है टिक कर देते हैं। ये ऊपर ये जो है मैंने टिक कर दिया। ये होने के बाद आपको जो है कुछ और भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। और इसको करने के बाद यहाँ पर देखिए, साइड में आएंगे तो यहाँ पर एक ड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा है, तो ड्रॉ में आपको क्लिक करना है एंड ड्रॉ में चले जाना है। और जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर कलर जो है आपको वाइट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक ड्रॉप का आइकन आ रहा है, तो इसमें आके ये जो है वाइट कर लीजिए। एंड उसके बाद शेप्स में आके इसको जो है आप ये बिजली की तरह जो एक शेप है इसको कर दीजिए एंड यहाँ से इसको फिल कर दीजिए, इसको ओके कर दीजिए। तो आपको इसी तरीके से आपको जो है खींचना है और यहाँ पर जो है इसको बिठाना है। तो मैं थोड़ा सा इसको कस्टमाइज कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इसको जो है थोड़ा सा घुमा देता हूँ मैं, और इसको जो है थोड़ा सा घुमा देता हूँ, और इसको थोड़ा सा और भी बड़ा करना चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पर जो है इसको बिठा देता हूँ। तो देखिए, एक कितना प्रोफेशनल लग रहा है। और ये हो गया हमारा छोटा सा एक लोगो। तो आप इसी तरीके से बना सकते हो और भी अच्छा बना सकते हो, तो आप बनाइए। और इसको करने के बाद यहाँ पर टिक मार्क पे इसको क्लिक करना है। तो करने के बाद इसको जो है सेव कर लेना है सिंपली। और ये हो गया आपका एक छोटा सा लोगो। यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं आप, और इतना तो मैं वीडियो में दिखा नहीं पाऊँगा इसलिए सॉरी। और आप जो है इससे कई गुना ज़्यादा बेटर कर तो सकते आई हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।